फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने तक ये विवाद हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। इस पूरी कहानी क्या है, ये विवाद क्या है, उससे पहले आपको इतिहास के पन्नों के जरिए बताते हैं कि आखिर रानी पद्मावती कौन थी। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। संजय लीला भंसाली के फिल्म रानी पद्मावती एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म, लेकिन फिल्म को लेकर गहरा विवाद है। विवाद ये कि वो महारानी जिसे राजस्थान के राजपूत पा का दर्जा देते ही उनके चरित्र से फिल्म में खिलवाड़ किया जा रहा है। सही में फिल्म में रानी पद्मावती के इतिहास को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है या नहीं, ये तो 1 दिसंबर को ही पता चल पाएगा जब फिल्म रिलीज की जाएगी। मगर अभी के लिए आरोप तो यही है। जब डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने जयपुर के किले में फिल्म का सेट लगाया तो करणी सेना ने फिल्म का जबरदस्त तरीके से विरोध किया। संजय लीला भंसाली को थप्पड़ तक मारा गया था, और अभी भी राजपूत समाज का यही कहना है कि अगर फिल्म में कुछ भी गलत दिखाया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मैं उन दृश्यों पे आपत्ति है। उसने पहले तो ये कहा था कि मैं काल्पनिक रूप से अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती माता जी का काल्पनिक रूप से प्रेम प्रसंग दिखाऊंगा, उसने ये कहा था। उसके बाद वो मिर्च मसाला ये डाले बगैर रहते नहीं, ये मसाज के सीन दिखाएंगे, हमारी माता को कम कपड़ों में दिखाएंगे, असली नृत्य दिखाएंगे, स्विमिंग पूल में नहाते हुए करते हुए दिखाएंगे, बगैर कपड़ों के अश्लील दृश्य होंगे। उन्होंने उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जो धोखे से आक्रमण किया और उनके पति की जो हत्या करी, उसके बाद उन्होंने जो है जौहर किया, हजारों हजार स्त्रियां जो राजपूत के किले में थी उनको साथ लेकर के एक राजपूताना की आन बान शान को बचाने के लिए जो जौहर किया और उनकी गरिमा को खंडित करने के लिए इन्होंने जो पिक्चर बनाई है संजय लीला भंसाली जी ने, ये राजस्थान के राजपूत समाज ने समस्त हिंदू समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा। फिल्म को लेकर विवाद क्या है ये तो हम आपको आगे दिखाएंगे, मगर उससे पहले दिखाते हैं कि रानी पद्मावती कौन थी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि पंडित नरेंद्र मिश्रा ने कुछ इस तरह से अपनी कविता में रानी पद्मावती की कहानी, राजपूतों के बलिदान, उनकी आन बान और शान का जिक्र किया है। रानी पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन सिंघल प्रांत के राजा थे। रानी पद्मिनी बचपन से ही बहुत सुंदर थी और बड़े होने पर उनके पिता ने उनका स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में उसने सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलाया। राजा रावल रतन सिंह भी पहले से ही अपनी एक पत्नी नागमती के होने के बावजूद स्वयंवर में हिस्सा लिया था। उस वक्त राजा एक से अधिक विवाह करते थे ताकि वंश को ज्यादा उत्तराधिकारी मिल सके। राजा रावल रतन सिंह ने मलखान सिंह को स्वयंवर में हराकर पद्मावती से विवाह कर लिया। विवाह के बाद अपनी दूसरी पत्नी पद्मावती को लेकर चित्तौड़ आ गए। रानी पद्मावती की सुंदरता की चर्चा हर तरफ होने लगी थी। उस वक्त राजा रावल रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार रहता था जो जादू भी जानता था। जब राघव चेतन की असलियत राजा रतन सिंह ने जाना तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में चलता हुआ राघव चेतन दिल्ली में शासन कर रहे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया और उसे रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया।
रानी पद्मावती की सुंदरता के किस्से सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी मानो पागल हो उठा और रानी को पाने के लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। मगर चित्तौड़ किले के अंदर वो दाखिल नहीं हो पाया। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दाग किया खिलजी ने। जब खिलजी किले के अंदर दाखिल नहीं हो पाया तो उसने राजा रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि वो रानी पद्मावती को अपनी बहन मानता है और उन्हें बस एक बार देखना चाहता है। शांति के लिए राजा रतन सिंह ने खिलजी की बात मान ली, लेकिन राजा के फैसले से उनका सेनापति गोरा नाराज हो गया और वो दरबार से चला गया। राजा रतन सिंह ने खिलजी को अपने महल में बुलाया और उसका सत्कार किया। बताया जाता है कि एक आईने के जरिए खिलजी को रानी पद्मावती का चेहरा दिखाया गया। रानी का चेहरा आईने में देखते ही खिलजी अपना होश खो बैठा। जब राजा रतन सिंह खिलजी को महल के बाहर छोड़ने जा रहे थे, उस वक्त खिलजी ने धोखे से राजा रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लेकर दिल्ली आ गया। खिलजी ने चित्तौड़ राज्य में खबर भिजवाई कि अगर 10 दिनों के अंदर रानी पद्मावती को दिल्ली नहीं पहुंचाया गया तो वो राजा रतन सिंह का गर्दन काट देगा। ये खबर मिलते ही चित्तौड़गढ़ में हाहाकार मच गया। चित्तौड़गढ़ से पीके अग्रवाल और जयपुर से सुशांत पारीख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इतिहासकार बताते हैं कि जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को कैद कर लिया था तो उन्हें मुक्त करने की योजना पद्मावती ने ही बनाई थी। नाराज चल रहे एक सेनापति गोरा के जरिए इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया था, लेकिन शातिर और जालसाज अलाउद्दीन खिलजी जब अपनी सेना लेकर चित्तौड़गढ़ आ पहुंचा था और भीषण युद्ध के बाद जब राजपूती सेना वीरगति को प्राप्त हुई थी, तब राजपूती आन बान और शान को जिंदा रखने के लिए अपनी सैकड़ों सखियों के साथ पद्मावती ने जोहर कर लिया था। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेश आया जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पद्मनी का टोला यदि आया, यदि नारूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त ना मानी तो पछताओगे। अब बात राजपूती शान की थी, अभिमान की थी। सेनापति गोरा ने खिलजी को संदेश भिजवाया कि रानी पद्मावती अपने 700 सखियों के साथ दिल्ली आ रही है। ये खबर मिलते ही खिलजी खुश हो गया। 700 टोलियां दिल्ली की तरफ रवाना हुई। हर टोली में एक वीर योद्धा बैठा था और 4 योद्धाओं ने डोली को अपने कंधे पर उठा रखा था। सभी 700 डोलियां दिल्ली पहुंची, जहां से खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी पद्मावती महल आने को तैयार है। मगर उससे पहले वो राजा रतन सिंह से एक बार मिलना चाहती है। खिलजी ने रानी का यह प्रस्ताव मान लिया। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्नि कंधा हो, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। 10 टोलियां कैद खाने की तरफ पहुंची। एक टोली में खुद सेनापति गोरा मौजूद थे, मगर खिलजी के सेनापति बाबर को शक हो गया और वो अपने सैनिकों के साथ कारागार तक आ पहुंचा। देखते ही देखते भीषण युद्ध शुरू हो गया, मगर वीर सेनापति गोरा ने राजा रतन सिंह को आजाद करवा लिया और उन्हें अपने भतीजे बादल के साथ चित्तौड़गढ़ भेज दिया। उधर खिलजी के हजारों सैनिकों के साथ सेनापति गोरा अपने योद्धाओं के साथ लड़ रहे थे। भीषण लड़ाई चल रही थी। खिलजी के सैनिक गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। आखिरकार खिलजी के सेनापति बाबर ने धोखे से सेनापति गोरा का गर्दन काट डाला। मगर राजपूते हिम्मत और आम देखे,
गर्दन कटने के बाद भी सेनापति लड़ते रहे और उन्होंने अपनी तलवार से खिलजी के सेनापति बाबर का गर्दन काट डाला। खिलजी के गढ़ में सभी राजपूती योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, मगर सेनापति गोरा ने अपना वचन निभाया और राजा रतन सिंह सकुशल चित्तौड़ गढ़ पहुंच गए। उधर बौखलाया सुल्तान खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। राजपूत योद्धाओं ने सुल्तान खिलजी की सेनाओं को तहस नहस कर दिया, मगर इस लड़ाई में राजा रतन सिंह की हार हुई और वो वीरगति को प्राप्त हुए। जब महल के अंदर तक हार की खबर पहुंची तो रानी पद्मावती ने सखियों के साथ जौहर कर लिया। राजपूताना इज्जत को बचाने के लिए रानी अपने सैकड़ों सखियों के साथ अग्नि कुंड में प्रवेश कर गई। कि महारानी पद्मिनी का जो जौहर हुआ था वह जौहर अपने स्वाभिमान के लिए पूरे विश्व में माना जाता है, और इस जौहर के बाद खिलजी को भी पश्चाताप हुआ था, ये चीज इतिहास में दर्ज है। महारानी पद्मिनी के जौहर स्थल को हम दिखाना चाहेंगे कि ये गुफा है, गुफा का नीचे रास्ता गया है और अंदर जाकर के गुफा काफी बड़ी और लंबी चौड़ी है। यहां से गोमुख कुंड भी खुलता है और कई रास्ते और भी खुलते हैं इस गुफा में से, जहां से अक्सर कर पद्मिनी का आना जाना रहा करता था। महारानी पद्मिनी बताया जाता है कि अपनी 16,000 रानियों के साथ इसी गुफा में जौहर किया था। बताया जाता है जब खिलजी किले के अंदर पहुंचा तो वहां एक भी महिला नहीं बची थी, सभी महिलाएं रानी के साथ ही जौहर कर चुकी थी। चित्तौड़गढ़ से पीके अग्रवाल और जयपुर से सुशांत पारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पद्मावती फिल्म को लेकर अब लड़ाई आर पार की हो चली है। राजपूतों की करणी सेना ने फिल्म को दिखाए बिना रिलीज नहीं होने की चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। इस मामले में सूबे के गृह मंत्री ने यह कहा है कि इतिहास से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, लेकिन किसी को कानून व्यवस्था हाथ में लेने का भी हक नहीं है। एक विशाल चिता सजाकर रानी पद्मावती और किले के महिलाओं ने अपने प्राण त्याग दिए, पर यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस महान बलिदान को धूमिल क्यों किया जा रहा है? सिर्फ एक फिल्म के लिए, पैसों के लिए इतिहास के तथ्यों को क्यों भावना जा रहा है? अगर हमें उस फिल्म नहीं दिखाई जाती है और रिलीज करते हैं, कोई सिनेमा हॉल में कोई भी सिनेमा मालिक लगाएगा उसको चलाने के लिए, तो वो चलेगी नहीं, वो फिल्म हॉल जलेगा। राजपूत समाज के अंदर फिल्म को लेकर काफी गुस्सा है और गुस्सा खूब क्यों? राजपूत समाज रानी पद्मावती को मां की तरह पूछता है। राजपूत समाज का दावा है कि खिलजी के सपने वाले दृश्य को शूट करते वक्त खिलजी और महारानी के रोमांस को फिल्म में दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। मौजूदा नागरिक हैं जो इतिहास के बारे में समझते हैं, उनको वो पिक्चर दिखाए। राजस्थान सरकार से हमने 3 मार्च के आंदोलन में पहले ही लिखित में ले रखा है, राजस्थान सरकार ने कहा राजस्थान में उसको रिलीज नहीं होने देंगे दिखाने से पहले। राजस्थान सरकार अपनी बात पर आज तक कायम है, उन्होंने कहा था शूटिंग की भी हम परमिशन नहीं देंगे, नहीं दी। और अन्य जो स्टेट्स हैं उनमें आज 14 प्रदेशों के अंदर इसका विरोध चल रहा है और 14 प्रदेशों से अब बढ़ता बढ़ता पूरे भारत में इसका विरोध होगा और इस फिल्म को हम रिलीज नहीं होने देंगे जब तक हिंदुओं को नीचा दिखाना, राजपूतानी को नीचा दिखाना ये बंद नहीं करते। कहा जाता है कि 16,000 महिलाओं के साथ रानी पद्मावती ने जौहर किया था, तो आखिर इस बलिदान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? वहीं ब्राह्मण समाज भी रानी पद्मावती मामले को लेकर राजपूत समाज के साथ है और फिल्म का विरोध कर रहा है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी विलेन था और एक आक्रमणकारी था, और उस नाव के ऊपर हमारी हजारों समाज की हमारी महिलाएं ने जोर किया, ये हमारी दुख तिरक। अलाउद्दीन खिलजी को हीरो के रूप में हमारी पीढ़ियों को दिखाया जाए, ये हमारे हमें गंवारा नहीं।
जब पद्मावती की कहानी राजपूतों की अस्मिता से जुड़ी है तो उस अस्मिता को तोड़ने का अधिकार डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को किसने दिया? वहीं गृह मंत्री कटारिया ने कहा है कि किसी भी समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। मैं सोचता हूं कि जिन्होंने मूवी बनाई वो अगर हमसे कोई मदद चाहें, नियमों में रहते हुए तो हम मदद करने को तैयार हैं। अगर वास्तव में कोई ऐसी चीज उसमें डाली हुई है जिससे लोगों के मन को पीड़ा होती है या जिस किसी को चोट पहुंचती है तो बनाने वालों को इस पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए कि अगर कोई गलत चीज आ गई है, अगर तथ्यों के आधार पर, इतिहास के आधार पर सही है, तब तो इसमें बारे में कोई घबराने की भी आवश्यकता नहीं। राजपूत समाज के एक धड़े पर फिल्म रिलीज करने को लेकर क्लीन चिट देने का भी आरोप लगा है। वो गुट हमेशा से ही समझौता एक्सप्रेस नाम टेक रखा है हमने, वो समझौता करते आए हैं। लेटर मैंने भी देखा था, राजपूत सभा भवन में बैठ करके वो लेटर दिया गया है। ये गलत बात है, समाज की ठेकेदारी उनको नहीं उठानी चाहिए। दोहराता हूँ, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। तो सवाल ये उठता है कि क्या जानबूझकर पैसों के खातिर पद्मावती के महान बलिदान का अपमान किया जा रहा है? फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी, ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वाकई फिल्म के अंदर तथ्यों को दरकिनार किया गया है। चित्तौड़गढ़ से पीके अग्रवाल और जयपुर से सुशांत पारीक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रानी पद्मावती की कहानी बताती है कि हमने हमारी अस्मिता को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, और अगर इस इतिहास से छेड़छाड़ की जाए तो वाकई ये गवारा नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कि संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावती में ऐसा कोई दृश्य नहीं होगा जिसे लेकर समाज को आपत्ति हो। फिल्म राजपूतों की आन बान शान को दिखाएगी, उस बलिदान को दिखाएगी जिस पर राजस्थान आज भी गर्व करता है। ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में।